इस ऐतिहासिक मोड़ पर आपके संघर्ष और आपके जोश ने कबीर के शब्द और हमारे देश के जो संत कवि अब कवि रह चुके हैं उनके कुछ शब्द आपके साथ बांट सके। तो हम सोच रहे थे कि अगर कबीर आपके बीच होते तो वो क्या कहते। निराकार निर्भय तू ही और सकल धर्मा। ट्रांसलेशन की जरूरत है थोड़ी थोड़ी करूं? यस। तो कभी कह रहे हैं कि साहिब कोई ऐसी चीज नहीं कि तुम पाँव पढ़ो और अपने आप से उसे दूर समझो। साहिब तो तुझ पर नहीं है, तू तेरी साहिबी सब पर है। वो कह रहे हैं कि निराकार फॉर्मलेस फियरलेस निर्भय तू ही, यू योरसेल्फ आर फॉर्मलेस फियरलेस और सकल धर्माए, ऑल द रेस्ट इज डिल्यूजन। कबीर साहब की वाणी में जो एक मजबूती है कि जो सच जो खुदा जो ईश्वर है जो सत्य है जिसके लिए हम सब लड़ते हैं, हमारी अपनी सच्ची छवि वो हमारे अंदर मिल पाएगी हमें। तो आज की शुरुआत मालवा के एक्चुअली राजस्थान के एक भजन से हम करेंगे जो हमने महेशाराम जी से सीखा, जिसमें वो कहते हैं थारो राम हृदय मई बाहर कई भट। तो ये कबीर के राम की व्याख्या जो है, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कन्हैया जी की स्पीच सुनी और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ से हम आते हैं वहाँ राम राम और जय श्री राम में फर्क लोग जानते हैं। तो ये राम राम क्या है, कबीर के राम राम कौन? माला जपू ना कर जपू यो जी और मुख से कहू ना राम। जपे हम पायो विश्राम। मैं कभी कह रहे हैं मैं ऐसे मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ ना मुझे जरूरत है हाथ से माला जपने की ना मुंह से राम बोलने की। मेरा मुकाम ऐसा है कि राम मुझे जप रहा है और मैंने विश्राम पा लिया। आई एम एट ईज। इतनी ताकत। तो ये भजन है थारो राम हृदय में। कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा दूजा घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा और चौथा सबसे न्यारा। राम इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी। एक राम है शुरुआत के स्तर के राम है जो दशरथ के बेटे हैं, दूसरे हैं जो घट घट में बैठे हैं, तीसरे राम ऐसे हैं कि जहाँ आप नजर दौड़ाएं वो उनकी सृष्टि है, और चौथे ऐसे राम हैं जो इन सब से न्यारे हैं। कुछ लोग हैं जो ग्रेड वन भी एक्सेलेंट। सो
So this song says, "Aisa aisa heerla ghatma kahe." Ye Marwari. There are such jewels in your heart, in this body. Johari bina heera kaun paate? But it takes a jeweler's eye to discern that gem within, that Ram within. Aisa aisa ghrip doodh ma kahe, bina jhugiye makhan kaise nikhe? Yahan ghee hai, is doodh mein, lekin thodi mehnat karni padegi, andar kuch manthan ho, to makhan nikhega. Haro Ram hirday mein, bahir kahi bhatke. ऐसी ऐसी आग लकड़ी में कहिए बिना घसे आप कैसे निकले ऐसा ऐसा किवाड़ हिबड़े पे जड़िया ऐसे ताले बंद हैं दरवाजे बंद हैं तुम्हारे हृदय पे बिना गुरु ताला कौन खोले विदाउट दिस विजडम हाउ विल दीज डोर्स ओपन टू योर हार्ट कहे कबीर सुनो भाई साधो राम मिले ये आत्म राम यदि आपको उपलब्ध हो गए मिल गए फिर थाने को न हट गए नोबडी कैन टच यू यू आर तुम्हें कोई छेड़ नहीं सकता लेकिन अगर आपके राम बाहर हैं किसी स्थान में विराजमान हैं तो फिर बखेरे होंगे
अभिमान को मेरे पे ऐसा ऐसा अभिमान को मेरे पे कोई चला गया कोई जावे कोई गठरी बांध से धावे कोई खड़ा तैयार अकेला सब चला चलता अकेला सब लोग जाने की मुद्रा में है तो कहते हैं कर पाप कपट जब माया तूने धन लाख करोड़ कमाया संग चले नहीं एक ढेला सब चला चलता अकेला पाम कढ़ंते पत्ते ने गिरते हुए कहा पान पढ़ंते यूं कियो तू सुन तरवर बनरा अब के बिछड़े ना मिले पड़ेंगे तुम वृक्ष बोला पात से सुनो पात मेरी बात इस घर की रीत यही एक आवत एक जात चला चली का खेला
आजकल ऐसा है कि सब कुछ हमें प्रूव करना पड़ता है, चाहे स्लोगन के थ्रू प्रूव करिए, कपड़ों के थ्रू प्रूव करिए, या पता नहीं कौन कौन से एक्शन के थ्रू हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो भोले शाह कहते हैं उस जमाने में थोड़ी धार्मिकता प्रूव करनी पड़ती थी, आजकल नेशनलिज्म प्रूव करना पड़ता है। लेवल थोड़ा बढ़ा। तो भोले शाह कहते हैं, ए जी नावे धोवे रब मिले तो मिले मछियां डडुआन,
गड्ढू समझते हैं, फ्रॉग। तो अगर नहाने धोने से रब मिलता तो मछलियों और गड्ढुओं को मिल जाता। जी नावे धोवे रब मिले तो मिले मछियां डडुआनू, जंगल फिरिए रब मिले तो मिले गाया बछियानू। गाय को मिले जी मूंद मुंडाए रब मिले, मूंद मुंडाए रब मिले मिले खदड़ा खसियानू। भेड़ के वो निकाल देते हैं ना बाल, तो हम भी अगर बाल निकालने से मिल जाता तो भेड़ों को मिल जाता। किताबा पढ़िए रब मिले तो मिले मुल्ला काजियानू। एजी माला जपिए रब मिले, ए जी माला जपिए रब मिले तो मिले जोशिया ब्राह्मणानू। लेकिन मिलता नहीं है रब उनानू, मिलता मिया भुलिया दिलिया अच्छिया सचियानू। तो इतनी सीधी सी बात है लेकिन उलझन घनी है। इसका लेयर तो कबीर भी इस बात को कहते हैं कि जोगी मन नहीं रंगाए और रंगाया कपड़ा। अब ये कपड़ा रंगाना तो बहुत आसान है, गेरू रंग पहले आप पहन लीजिए, सफ़ेद पहन लीजिए, हरा पहन लीजिए, कोई भी कलर का कपड़ा पहन लीजिए, या कोई भी स्लोगन चांट कर लीजिए। कितना है, चार लफ्ज़ का स्लोगन है उसे चांट कर सकते हैं। लेकिन असल की बात तो अंदर की है। तो कह रहे मन को तुमने रंगाया नहीं, कपड़े रंगाए हैं। तो फिर वो उस ज़माने में ऐसा होता था कि योगियों और ये सब बाबा गुरु आजकल भी है तो पता है, वो उन सब की बड़ी महिमा होती थी तो उनकी टांग थोड़ी खींच रहे हैं कि जाए जंगल जोगी धुनी लगाई हो। वो धुनी लगाते हैं अपनी आग जलाते हैं। राख लगाई ने होया गगड़ा, अपने शरीर पे राख लगा ली अब गधे जैसे दिख रहे हो, गधे का भी वही रंग होता। फिर कह रहे हैं जाई जंगल जो कि गुफा बनाई हो, गुफा में बैठ रह जाके जटा बढ़ाई ने होया रीछड़ा, जटाएं बढ़ा ली अब एकदम भालू जैसे लगे। वैसे एक तरह से तो ये एनिमल्स की इंसल्ट हो रही है क्योंकि उनका दर्जा हमसे शायद ज़्यादा ही है, इतने उलझे हुए नहीं है वो लोग। फिर कह रहे हैं कंडवा फड़ाई जोगी मूंद मुंडाई हो, किसी ने कान फड़वा लिए, किसी ने मूंद मुंडा लिए। दाढ़ी बढ़ाई ने होया बकरा, किसी ने दाढ़ी रख लिया तो वो बकरे जैसा हो। फिर कह रहे हैं कि आसन बैठाई जोगी कपड़ा रंगाई हो, कामे जराई ने होया इजड़ा। मतलब काम को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, बर्निंग का डिजायर नहीं कर नहीं पा रहे, तो ना इधर के हैं ना उधर के, ना संसारी हो पाए ना योगी हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जम के द्वार मचाया झगड़ा। इतनी साधना वगैरह पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन जब जम लेने आता है तो झगड़ा करके ही जाते हैं, आसानी से कोई नहीं जाता। तो एक तो नेशनलिज्म बाहर की होती है जो सब लोग लगे हुए हैं आजकल, करेंसी है, और एक अंदर की होती है। तो ये अंदर की बात, जो मन ने रंगायो रंगाया कपड़ा, जो मन ने रंगायो कपड़ा, रंगाया कपड़ा, रंगाया कपड़ा, रंगाया कपड़ा, जोगी
About this in terms of caste. He asks us some questions. Hey, ji, tu kas baman, hum kas suda. Kabir says, how are you a Brahmin and I am a lower caste? Do I have blood in my veins and do you have milk in your veins? Hey ji, tu kas baman, hum kas suda. Hum kas lahu ho, tum kas dudha. कस बामन बमनी जाया तो आन द्वार से काहे नहीं आया. If you were born from a Brahmin woman's womb, why didn't you come from some special door into the world? All of us come from the same door. तो एक हाड मांस मलमूता एक हाड मांस मलमूता एक दिल एक गुदा एक हाड मांस मलमूता. कबीर इज वेरी ग्राफिक. द सेम बोन्स
the same flesh, the same shit, the same piss. The same heart, the same body. Hey ji, ek hard mass malmuta, ek rudir ek bhuda, ek bond se srishti rachi hai, Obaman ko suda. So this song, this next song is a bowl song from Bengal. And it describes, it's in the word of words of Lalon Fakir. And Lalon, you know, suffered an illness. He grew up in a Hindu family, as far as I remember the story. And he grew up in a Hindu family, then he suffered smallpox. And his family thought he was going to die. So they took him to the jungle, they put him on logs of wood, and they were ready to burn him. Suddenly a storm arrived and they left, they couldn't burn him. So it turns out that Lalon wasn't dead at all. So he rises up, and then there are some fakirs who are passing by. And the fakirs take care of Lalon, and they help him recuperate. And he finds his guru in the fakirs. So when he comes back to his family, they say, Tumhari jaat chali gayi. Tumhara dharam chala gaya. Because Muslims have taken care of you. You've lost your purity. So in this song, Lalon says, Jat gelo. Jat gelo, jat gelo. Meri jat chali gayi. How many Bengalis here? Okay, so you will get it. It says, jat gelo bole. Sab log keh rahe hain, tumhari jat chali gayi. Ek hi ajab karkhana. Ye kaisa ajab karkhana hai? Jat aur dharam aur pata nahi kiska. Ye bhi ek ajab karkhana hai, jisme hum ji rahe hain. A bizarre factory of caste and religion. शब्दों का जे क्यों नहीं राजा सच के काम में किसी का मन नहीं लगता शोभ ही देखी ताना नाना ये सब जो ताना नाना है ना ये मैंने देख लिया पूरा आशबार काले की जात छी जब आए थे तुम्हारी क्या जात थी की जात ऐसे तुम्हें की जात मिले जब आ गए तो तुम्हें क्या जात मिले की जात होबा जाबार काले When you go, what will your caste be? What will your ethnicity be? What will your religion be? Ek otha bhebe bolona. Think about these things. Brahman, chonda, chomar, muchi, ek jole shop hoigo shuchi. All the castes, they are cleaned by the same water. Dekhe shune hoina ruchi, but you are not interested in these things. Jome to kake o chhardena. Death treats everyone equally. Thank you.
is a beautiful Kabir song from Rajasthan, which also tells a Buddhist story. And I feel it totally relates to the context in which all of you are fighting. It's a parable about a jungle that caught fire. And there was a parrot who lived in this jungle who decided not to flee. And she used to live on this sandalwood tree with which she had this beautiful relationship. Her life was lived out on the tree. So what is this? While all the other animals and birds start fleeing this blazing forest fire, what does this bird do? She goes to a lake nearby, she plunges into it and comes back over this blaze and flaps her two little wings. So ye do boond pani girte hain itni vishal agni ke upar aur phir wo jaati hai talab mein, dubki marti hai, wapas aati hai aur do pankh phadphadati hai aur do teen बूंद पानी के गिरते हैं और बाकी के पशु पक्षी जो भाग रहे हैं छोड़कर वो उसकी ओर देख के गुस्सा होते हैं पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग दे टर्न टू हर एंड से यू मैड फूलिश बर्ड व्हाट डू यू होप टू अचीव हैव यू सीन द साइज ऑफ दिस मैसिव फायर एंड हैव यू सीन द स्ट्रेंथ ऑफ योर टू लिटिल विंग्स व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग एंड शी टर्न्स टू देम एंड शी सेज I'm doing what I can. And I think that's the spirit of each one of you here. You're doing what you can. उसी वक्त आसमान में बादल गुजर के जा रहे होते हैं और उनमें कुछ देव बुद्ध बैठे नीचे धरती का नज़ारा देख रहे होते हैं तो उनमें से एक देव की नज़र इस पक्षी पे पड़ती है और वो चील के रूप में नीचे आके उसके आसपास फिरते हैं देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं इसके जतन और लगन को देख के उनका दिल काम उठता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सो व्हेन द गॉड्स बिगिन टू वीप व्हाट हैपेंस द क्लाउड्स पार्ट एंड इट रेन्स एंड दिस huge jungle fire is extinguished to ye marwadi ka bhajan hai jisme kehte hain kin sankara sneh I think this battle you are fighting is it's protest it's resistance but it's also love it is love for the right values it's holding steadfast to a truth in the here and now hum aage ki nahi soch rahe hame jo is waqt sahi lag raha hai हम वो कर रहे हैं सो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू दिस स्ट्रगल किन संकरास ने ए भारी हेली ओ माई डियर फ्रेंड सहेली हुम शुड आई लव A bamboo grew in this forest and the whole forest trembled. Ghani agni deh maye khud jale auran ke jale aur chandan ugo ina baag mein harak rahi ban raha hai. Chandan paas main jaau aap chandan hoi jaau. Dav lago ina baag mein a fire broke out in this forest. Panchi baitho aaye The bird came and sat. Hum jale pankh bahiro, tam pare udi ko jao. So the tree says, you fly away. You have wings. I am the rooted one. I can't move. So panchi kya kehti hai? Phal khada, paan birodiya, ramya dalo dal. Tam jalo main ubru, jivadon kitri paar. Dav bhoochyo. झाड़ा मेटिया दूधे बूठा में द क्लाउड रेन्ड मिल्क
कहे धर्म कबीर धर्मदास से नित नित नवलो ने सैज कबीर टू धर्मदास एवरी डे माई लव माई रेजिस्टेंस माई एक्शन इज न्यू फ्रेश Yeah.
कबीर करनी में मानते थे, कथनी में नहीं। पग पग कम, काम ज्यादा। तो इस भजन में वो कहते हैं, करना रे होए सो कर ले रे साथ, जो करना है तुम्हें कर लो, मणक जन्म दुहेलो है। This precious moment, this precious life that you have is a rare jewel. मुश्किल से मिला है। लख चौरासी में भटकत भटकत अब के मिलियो महिलो है। You will go spinning in 84 lakh cycles of coming and going. But this moment that you have right now, this lifetime that you have right now, is really precious, precious. तो करना रे होए सो कर ले रे साधो, do what you must and do it now. थोड़ा तंबूरी की आवाज भी आ रही। जप तप नैम व्रत और पूजा षट दर्शन को गेलो है। All your various religious practices and rites mean nothing if you don't recognize that divinity in everybody. पार ब्रह्म को जानत नाही, भूलिया भूलिया भरम बहेलो है। ये सब भूले भरम है, all delusion. कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, कोई कहे गौलोक को है, झगड़े लग रहे थे कि खुदा यहाँ है, ईश्वर यहाँ है। कोई कह रहा है शिवनगरी में साहेब, जुगा जुगा हार्ट बहेलो है। जुगों जुगों से ये हार्ट, दीज मार्केट प्लेसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैव फ्लरिश्ड, सेज कबीर। अण समझा हरि दूर बतावे, जो समझा ही नहीं, द फूल, ही सेड दैट डिवाइन, दैट ट्रूथ, दैट एंटिटी इज फार अवे फ्रॉम मी। हरि दूर है, समझा साथ कहे लो है। जो समझ गया वो कहता है वो तो मेरे साथ है। सतगुरु सैन अमोलक दीनी, माई गुरु हैज गिवन मी अ साइन, अ प्रेशियस साइन। हर दम हरि को गेलो है, ही स्पनिंग ऑन हर हियर, हर दम, एवरी ब्रेथ, हर को गेलो है इज द पाथ टू हरि। कर ही क्यों पछताए, तूने बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से खाए। राम भजन भजियो नहीं, राम भजन भजियो नहीं, नहीं कियो हरि तू पछताया क्या करे, जब चिड़िया चुग गई है। चिड़िया चुग गई है, नरत रही। राम भजन भजियो नहीं, ए, तो संता साच कही। अरे अब के मिलो महेश।